गुजरात में कोरोना वैक्सीन देने के लिए आज से सर्वे शुरू किया गया है। तहसीलदार पीजी चौहान ने बताया कि विजयनगर तहसील में आज से सर्वे शुरू की गई है। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएम चौहान ने बातचीत के दौरान बताया कि यह सर्वे रविवार तक चलेगा। शिक्षक, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को सर्वे करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, इस सर्वे में 50 वर्ष से कम आयु वाले लोगों का सर्वे होगा। इस सर्वेक्षण में गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, थैलेसीमिया, एचआईवी, मानसिक रोग और अन्य लाइलाज बीमारी वाले व्यक्तियों को गंभीरता से लिया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन की शोध अंतिम चरणों में है, जो शीघ्र ही वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना है। इसके लिए दो चरणों में प्रक्रिया की जा रही है। कोरोना वायरस अंगे भारत सरकार ने गुजरात सरकार तरफ से रसी आपवा माटे डेटाबेस तैयार करवा माटे शिक्षक श्रीओ, आशा वर्करो अने आंगणवाड़ी कार्यक्रम द्वारा 50 वर्ष उपरना तमाम सर्वे ने कामगिरी चालू करवामां आवी छे। आजथी 50 वर्षथी नीचे के जे अति गंभीर रोगो छे तेनी सर्वे ने कामगिरी आजथी अमे कामगिरी चालू करेल छे अने तेने 2 दिवसमां पूर्ण करी जे एनो डेटाबेस तैयार करवामां आवशे। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार, SBN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ भरत मौड़िया। गुजरात में आज कोरोना वैक्सीन देने से पहले शुरू होने वाला सर्वेक्षण आज से शुरू हो चुका है। यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि टीचर लोग हैं वो आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्वेक्षण पूरे जोर शोर से चालू है यहाँ पे। अब देखते हैं कि कोरोना वैक्सीन कितना सफल रहता है। हमारी टीम हर्षद बुद्रा, राहुल शाह के साथ भरत मौड़िया, SBN न्यूज साबरकांठा, हिम्मतनगर। धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे SBN न्यूज।